हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं और बहुत ही आसान तरीका है ये ब्रेसलेट बनाने का। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी बनाई है मैंने, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो ब्रेसलेट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस फैब्रिक को कटिंग करके सेंटून पे पेस्ट कर लिया है। ये नेट का मेरा फैब्रिक है, इसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंच और विड्थ ली है मैंने 4.5 इंच। तो उसके लिए मैंने ये जो पेस्टिंग है हमारी, ये पेस्टिंग पर भी मैंने इसी तरीके से इसको कटिंग किया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच, विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जितना आपका साइज़ है हैंड का। और ये मैंने नेट को ट्रायंगल शेप में कटिंग किया है इस तरीके से। आपको अपने हैंड के साइज़ से मेज़र करके उसी तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। और मैं इस पेस्टिंग को बिल्कुल इस तरीके से किनारे से 1/2 इंचेस फोल्ड करके इसको प्रेस कर देती हूँ। ये मैं रिवर्सिबल टेप से इसको पेस्ट कर दूँगी, ये रिवर्सिबल टेप है, और मैं इसको आयरन की हेल्प से यहीं पे ही पेस्ट कर देती हूँ एक साइड से इस तरीके से, और दूसरे वाली साइड से भी मैं इसी तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इसमें गाइडलाइन बना लूँगी मुझे कितना दूसरी साइड से फ़ोल्ड करना है। इससे आयरन से मुझे गाइडलाइन मिल गई है और मैं इसको फैब्रिक को फ़ोल्ड करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को और इस पर भी रिवर्सिबल टेप से इसको पेस्ट कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे नेट को रेडी करना है ट्रायंगल वाली शेप, तो मैं एक साइड इसमें भी रिवर्सिबल टेप से इसको फोल्ड कर रही हूँ। ये रिवर्सिबल टेप जो फोल्ड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, मोस्टली मैं इसी को यूज़ करती हूँ कोई भी मुझे फैब्रिक फोल्ड करना होता है तो। और इसको मैं दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसको फोल्ड कर दूँगी, दोनों साइडों से रिवर्सिबल टेप लगा के आप फोल्ड करके इसको रेडी कर लीजिए ट्रायंगल शेप को बिल्कुल इस तरीके से। और इसको मैं जो मैंने ये रेडी किया था पेस्टिंग फैब्रिक लगा के, इसके दोनों साइडों से इसको इस तरीके से रख के पेस्ट कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे दोनों साइडों में इसके ये लगाना है रिवर्सिबल टेप, इस साइड से भी इसी तरीके से लगा के इसको पेस्ट कर लीजिए और मैं इस साइड भी इसको लगा देती हूँ आयरन की हेल्प से। इसको दोनों साइडों से पेस्ट कर लीजिए इस तरीके से, मेरा ये पेस्ट हो चुका है। अब मैं ये वेलक्रो लगाऊंगी, इसमें वेलक्रो की हेल्प से मैं दोनों साइडों में इसको अटैच कर लूँगी ताकि ये हैंड में आसानी से आ जाए बिल्कुल इस तरीके से। आप इसको सिलाई मशीन से स्टिच कर दीजिए वेलक्रो दोनों साइडों से बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए मेरा ये रेडी हो चुका है, वेलक्रो लगा के मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें जो ट्रायंगल का जो कॉर्नर है, इसमें ये जो लास्टिक है राउंड वाली लास्टिक, इसमें अपनी फिंगर का मेज़रमेंट लेके इसको लास्टिक को कट कर लीजिए और एक तरफ गांठ मार दीजिए इस तरीके से। मैंने दोनों साइडों में इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद आप एक्स्ट्रा लास्टिक को कट कर लीजिए और यही जो मेरी नेट है इसके ट्रायंगल को हल्का सा फोल्ड करके यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए या फिर इसको किसी भी धागे से लॉक कर दीजिए। तो ये देखिए मेरा ब्रेसलेट बनके रेडी हो चुका है, मैं आपको पहना के दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये जब मैं इसको ड्रेस के साथ कैरी करूँगी। तो आप भी इस तरीके से बनाने की ट्राई कर सकते हैं, बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा।